हेलो सुमर, उम्मीद कर सब लोग मस्त हो। तो जी हाँ, खुशबू रानी आखिर राज रानी के बारे में कहा, इसमें विनोद और अपकमिंग सॉन्ग्स के बारे में सब कुछ बताने वाले वीडियो पूरा एंड तक बना होकर भाई चैनल सब्सक्राइब कर, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा तक भाई जैसा आप अपन ऐसे वीडियोस मिलत रहा है। तो चलो भाई आज की वीडियो शुरू करता है। स्टोरी की बात करते थे भाई लोग, नेक्स्ट स्टोरी निकल के आते हैं सी जी गौतम जिला चाहते सोशल मीडिया काफी बवाल वीडियोस क्रिएट करते थे, लग सकते हैं सब्सक्राइबर। रिसेंटली नया सॉन्ग्स आए, फर्स्ट एल्बम सॉन्ग्स निकले हैं एक गोरी ए मोर गोरी एंड देन सॉन्ग जो है 224,000 लोगों ने देखे, अच्छा खासा जो है लोगों की रिस्पांस देखे मिला थे फर्स्ट एल्बम में। तो भाई तीन काम करे तो जाकर देख सकता था, लेंगे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकता। सब हमारी बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। तो नेक्स्ट स्टोरी निकल कर भाई अमलेश नागेश की गुहिया फिल्म जिला, तो अपन जाते जो है भाई साहब गुहिया वन ला देखो, लेकिन गुहिया टू की फिल्म आने वाला है। देन बिगेस्ट शॉकिंग न्यूज निकल के आए फिल्म भाई 2024 में अपने देखे मिले और 2025 में देखे मिली, लेकिन रिसेंटली फिल्म से पहले अपन जाते गुहिया फिल्म हेमा शुक्ला रही, लेकिन अब जो सेकंड पार्ट टू आते भाई साहब हेमा शुक्ला रिमूव हो चुकी है, जब कोई नया एक्ट्रेस ला लेने वाला है हेमा शुक्ला आप मतलब देखे मिली। तो आप मतलब क्या लगते कौन से हीरोइन हो सकते हैं जो कि गुइया टू में देखे मतलब मिलने वाला है अमलेश दिलेश शाहू के ये फिल्म, कमेंट करके मतलब जरूर बता। तो अगला स्टोरी की बात करते हैं, अगला स्टोरी निकल कर भाई पाकिस्तान हाँ इंडिया टीम लाओ वार्निंग दे। रिसेंटली हमें समझ जाना था 2024-2025 में जो है चैंपियंस ट्रॉफी होना है, इसी को लेकर जो है अगर इंडिया टीम जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आया पाकिस्तान नहीं गई तो पाकिस्तान वार्निंग दे के बाइकआउट कर दी 2026 में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। जी हाँ, उन्होंने कहा कि साफ बोल दे भाई अगर टीम इंडिया और पाकिस्तान नहीं आई मैचेस खेलने के लिए तो पाकिस्तान की टीम भी 2026 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप बंद नहीं जाने वाला है और वो बाइकआउट करने वाला है ये चीज़ लेके। हालांकि रिसेंटली अगर से पहले भी जो है एशिया कप में बोल रही थी कि टीम इंडिया अगर नहीं आई पाकिस्तान तो मैच नहीं खेला वर्ल्ड कप में वो नहीं जा, लेकिन फिर भी हाइब्रिड मॉडल से BCCI करीस और वहाँ मैच खेलीस और पाकिस्तान टीम इंडिया आ रही से वर्ल्ड कप खेले, तो देन ये वाला वार्निंग भाई साहब कुछ अलग लगते। तो आप मन क्या करना चाहते हो पाकिस्तान के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट। एनीवे नेक्स्ट स्टोरी निकल कर था भाई CGPSC जेला, तो अपन जाते थे भाई साहब लाखों लोगों मन के जो है CGPSC में भाई साहब काफ़ी ज़्यादा घोटाला और पेपर लीक लेकर काफ़ी बड़े कॉन्ट्रोवर्सी हो रही से। रिसेंटली साई सरकार यानी विष्णुदेव साई है कंफर्म कर दे कि भाई CBI की जांच जो है शुरू हो गई। जी हाँ, खुद यहाँ पर CM साई बता दे कि CBI की जांच होगी और जो भी भाई साहब एक अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट हुई वो सब बन के अरेस्टेड होने वाला है। तो आप मैंने क्या कहना चाहता हूँ सरकार के बारे में कमेंट करते जरूर। इन भाई नेक्स्ट स्टोरी की बात करते थे भाई, नेक्स्ट स्टोरी निकल करते हैं हंडा मूवी के लेकर। जी हाँ, जाते हो छत्तीसगढ़ के बवाल मूवी भाई हंडा मूवीज एंड देन हंडा मूवीज द क्रेजी अबाउट, बहुत सारे लोग क्रेजी लगा थे फिल्म ताबड़तोड़ सिनेमा हॉल में बवाल जाते हैं हाउसफुल सभी सिनेमा हॉल में, फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक भी ताबड़तोड़ सिनेमा हॉल में चला थे। एंड देन अकॉर्डिंग टू न्यूज़ भाई साहब लगभग जो है 8 से 9 करोड़ के बीच में फिल्म अभी तक बॉक्स कलेक्शन कर, जो कि छत्तीसगढ़ काफी ज्यादा बॉक्स कलेक्शन कर वाली फिल्मों में से एक हो चुके हैं। भाई नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टोरी भाई साहब इंदुवटी के लेकर निकल रहा रिसेंटली। अपन जाते हो इंटरव्यू इंदुवटी पास अवे। जी हाँ, लास्ट टाइम सन सैटरडे के जो है एक्सपायर हो गए एंड देन कुछ रिपोर्ट्स निकल के आए भाई साहब CCTV कैमरा के इंतजार रही सब लोग आखिर कहाँ हो रही सो राइट। तो अगर फाइनली CCTV कैमरा निकल चुके हैं, आप मैं देख सकते हो CCTV कैमरा में साफ पता चला थे कि जैसे वो स्कूटी लेकर आगे जा रही थी ऊपर बात तेज रफ्तार से कार एक्सीडेंट कर दी सर भाई साहब कार से टकराई सर, आप मैं देख सकते हो किस तरह से वहाँ से वो दिक्कत नजर आता है एंड देन भी यहाँ पर ड्राइवर भी वहीं पर मौजूद रही से कि कहा कुछ इस सिचुएशन देखे भागे कोशिश नहीं करी से। तो भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से बड़ा बड़ा कांड हो गया। तो आप मन क्या कहना चाहता हूँ, हमें ये दोनों में से क्या कर गलती लगा था भाई, मुड़त लगते भाई कार वाला क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पीड से चला रही से। तो आप मन क्या कहना चाहते हो कमेंट करके राय जरूर था। वही नेक्स्ट वो निकल के आते भाई अमलेश नागेश के लेके, अमलेश नागेश लेके भाई साहब एक बंदा काफ़ी ज़्यादा एंग्री नजर आई। जी रिसेंटली अमलेश नागेश की फिल्म रिलीज हुए हंडा और हंडा मूवी से गजब के रिस्पांस देखे मिला था काफ़ी क्रेजी अबाउट, लेकिन एक बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में आके भाई बोला था भाई हंडा मूवीज के लेकर अमलेश नागेश के लेकर काफी कुछ बोली। पहले छोटा सा वीडियो क्लिप देख लो। अमलेश नागेश जो है कॉमेडियन था, कॉमेडियन में हर चीज़ अच्छा किया है, अभी डायरेक्टरी किया है, डायरेक्टरी करना नहीं चाहिए था, या तो पिक्चर हिट होती तो आगे बढ़ते या तो पीछे, पिक्चर के लायक ही नहीं है वो, अभी बढ़ गया था सुपरस्टार बना था अब तो नीचे गिरना चाहिए। तो भाई साहब अमलेश नागेश को डाउनग्रेड स्टार्ट हो गया ऐसा कुछ बोलना है बंदा के बारे में, तो आप मैंने ये बंदा लगा करना चाहता अगर अपना हंडा मूवीज देखा तो भाई ताबड़तोड़ जवाब दे सकता था कमेंट सेक्शन में। इन संगवारी हुई नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टोरी निकल कर थे विनोद वर्मा जिला, तो अपन जाते हो भाई सोशल मीडिया में काफी बवाल क्रिएट वीडियोज क्रिएटर है। रिसेंटली भाई लेटेस्ट ब्लॉग के दौरान बताया होकर अपकमिंग सॉन्ग्स आने वाला है, तो सबसे पहले वो छोटे छोटे क्लिप देख लो। ये लुक में कैसे लगा था कमेंट करके बताना। संगवारी वो आज जो है एल्बम की शूटिंग हुआ थे 15 अगस्त के उपलक्ष्य के लिए और बहुत बेहतरीन एल्बम आने वाला है संगवारी वो। फौजी वाला एक सॉन्ग आने वाला जो देशभक्ति में क्रेडिट होने वाला है। जी हाँ, डेडिकेटेड होने वाला है, जहाँ मोर मितान भी फर्स्ट टाइम में देखे मिले और भी बहुत सी यूट्यूबर में देखे मिली। विनोद वर्मा की ये जो है सॉन्ग्स आप मतलब देखे मिलने वाला है 5 अगस्त तक आप मतलब ये सॉन्ग्स देखे में मिल जाएगी। तो भाई साहब आप मन कितना वेट कर रहा था विनोद वर्मा की ये देशभक्ति वाला सॉन्ग्स का देखे कमेंट करके मतलब जरूर। नेक्स्ट स्टोरी की बात करता हूँ खुशबू खुशी के बारे में।
पर्सनली आप जाओ तो काफी पीपल मन क्वेश्चन करते हैं राज रानी को लेकर का वो नाराज है, का वो कर से मिलना नहीं चाहते, बहुत सारी चीज को लेकर जो मोटर के क्रिएटर मन जो है यही क्वेश्चन करते रहे कि का क्यों नहीं जाते, का दोनों के बीच अनबन हो गए। तो रिसेंटली फाइनली सबके रिप्लाई खुद बहन है दिया अपन लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर क्यों राज रानी से कतना नाराज है और का कुछ हो कहीं साहब सब करे उसमें कर छोड़ सब क्लिप देख। और छोटे बहन रानी के साथ मोर कोई दुश्मनी है, ओकर साथ मोर कोई अनबन है, ऐसे लगते आप मल्ला? तो आप मल्ला बिल्कुल गलत लगते है ना, ऐसे कुछ नहीं है, हमार मन के बीच में सब अच्छा है, सब नॉर्मल है। और साफ बता दी इसको अपन बहन से नाराज नहीं और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे भाई, तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाकर पूरा ब्लॉग चेकआउट कर सकता। संगवारी आज की वीडियो अगर वीडियो अपने पसंद है इस वीडियो लाइक करता, चैनल सब्सक्राइब करता, मिलता नेक्स्ट वीडियो।